हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। नौकरी संबंधी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीएससी की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पीएससी में प्यून के 91 पदों के लिए 2.25 लाख फार्म, साइकिल चलाना जरूरी शर्त लेकिन टेस्ट नहीं, हाथ उठाकर हाँ कहने से मान लेंगे आती है। यहाँ पर देख सकते हैं डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जैसे राजपत्रित पदों के लिए परीक्षा लेने वाले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पहली बार 91 चपरासियों की भर्ती प्रक्रिया में अपने हाथ में लिए। लिखित परीक्षा सितंबर में होगी। इन पदों के लिए पीएससी को अब तक 2.25 लाख फार्म मिल चुके हैं। प्यून बनने के लिए जरूरी योग्यता 8वीं पास होने ही चयनित हो। चयनित को साइकिल चलानी भी आनी चाहिए। आवेदन इतने ज़्यादा आ गए कि साइकिल चलाना आता है या नहीं इसके परीक्षण का कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सका। लिखित परीक्षा के नतीजों के बाद जितने पात्र होंगे उनसे मौखिक तौर से पूछा जाएगा साइकिल चलाना आता है या नहीं। अगर वे हाथ उठाकर हाँ कह देंगे और फार्म में लिख देंगे तो मान लिया जाएगा। ठीक है, पीएससी के जरिए सामान्य प्रशासन विभाग में चपरासी के 80 पद और खुद लोक सेवा आयोग में 11 पदों की भर्ती होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा जो है 150 नंबर की होगी। यहाँ पर देख इसमें छत्तीसगढ़, भारत का सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 150 अंकों का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, गलत जवाब देने पर 1/3 नंबर काटे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा में 455 पात्र होंगे। चपरासी की 91 पदों के लिए करीब 2.25 लाख फॉर्म मिले। भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते इमला लिखने की परीक्षा 50 नंबर की होगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद चयन सूची जारी होने पर माना जा रहा है कि साल के आखिरी तक दोनों परीक्षाएँ हो जाएंगी। तो दोस्तों, इतनी जानकारी देनी थी आप लोगों को। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।